नहीं नहीं वो अभी पकड़ा हुआ उसने, हाथ लगा सकता है, लगा ले नहीं मारेगा, पकड़ा हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जा रहे हैं मंडी जाने का प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने जानवर लेने के लिए जाना था। तो गाइस जा रहे हैं मंडी जानवर लेने के लिए, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी मंडी जाकर देखते हैं क्या हालात है। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो भी आप लोगों को बताते रहते हैं। जल्दी चलते हैं भाई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं मंडी के लिए। तो भाई ये देख सकते हैं पहले तो हम बैठ गए रक्षे के अंदर, तो रक्षे का आप सफ़र वगैरह देख सकते हैं कितने ज़्यादा। हम लोग रक्षे के अंदर 5 से 6 बंदे हम लोग रक्षे के अंदर बैठे हुए थे भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। मंडी वाली गाड़ी तो नहीं मिली थी, फिर भाई हमें एक सहारा मिला लाल बस का। तो भाई लाल बस के अंदर बैठे हम शराबपुर के लिए, लाल बस के अंदर में बैठे बैठे अपने भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स वगैरह बना रहा था। रस्ते देखते देखते भाई देख सकते हैं एकदम चिल्ड हो गई थी गाड़ी, एकदम सुकून वाली गाड़ी। भाई आप लोग भी इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका टिकट इतना महंगा नहीं है, 50 रुपये टिकट है, आप सुकून से जा सकते हैं इसके अंदर। शराबपुर पर पहुँचे तो भाई वहाँ भी बस नहीं चल रही थी, जो मंडी वाली गाड़ी होती है वहाँ भी वो नहीं चल रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने भाई यही डिसाइड करा कि चिंची के अंदर हम लोग को जाना पड़ा। तो भाई ये देख सकते हैं आप सबके सब चिंची के अंदर बैठे हुए थे, बड़ी वाली चिंची के अंदर जो 7 सीटर होती है उसके अंदर सारे बैठे हुए थे। भाई सब बैठे हुए थे क्योंकि कस्टमर लोग भी बैठे हुए थे और भाई लोग भी ऐसे ऐसे बैठे हुए थे। इतने सफ़र करने के बाद भाई ये देख सकते हैं हम लोग मंडी के गेट के अंदर इंटर हो गए थे, इंटर होने जा रहे थे एक तरीके से। ये थोड़ा सा सफ़र है, ये थोड़े थोड़े शॉर्ट्स वगैरह भी बना रहा था मैं, अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह थी, पहाड़ी वाली साइड जगह पे अच्छी अच्छी जगह लग रही थी मुझे भी, कि कराची से थोड़ा सा दूर होने के बाद अच्छा अच्छा लगता है। भाई ये मंडी स्टार्ट हो गई थी, हमारे उसामा भाई भी थे हमारे साथ है भाई, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत VIP तरीके के इंसान है भाई, शुक्र मेले वाले भाई। देख मंडी में जैसे इंटर है तो भाई ये देख सकते हैं ये हाथी के बच्चे हमें नजर आए, तो ये स्वामी भाई भी इसके साथ खड़े हुए थे, देखते देखते कैसे डर रहे थे। जब खड़ा हुआ तो माशाल्लाह से इतना प्यारा और इतना बड़ा जानवर था ना, माशाल्लाह से देख सकते हैं भाई आप लोग, ये स्वामी भाई वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। देख रहे भाई जब बंदे ने पकड़ा उस जानवर को, फिर जाकर उन्होंने हाथ लगाए जानवर को, बड़े जानवर से हटकर फिर हमें जाना था छोटे जानवरों की तरफ, क्योंकि हमारा बजट नहीं था इतने बड़े जानवरों को परचेज करने में। भाई बहुत ज्यादा रेट मांग रहे थे इनके, भाई देखो क्या ये। आगे बढ़ने के बाद भाई ये देख सकते हैं हाथी का बच्चा एक और देखा था, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था और कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद आपके भाई को भूख लगी तो हम सब ने खाना वाना खा लिया था भाई, ये देख सकते हैं मगरिब का भी टाइम हो गया था, ये देख सकते हैं कोई भी कस्टमर नहीं था भाई, पूरी मार्केट ही खाली पड़ी थी, पूरी मार्केट कोई कस्टमर था ही नहीं, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं हम लोग इतना पैदल चले, लव शैल वाली बिल्डिंग भी एकदम सामने आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग को निकलना था KVK ब्लॉक की तरफ, तो भाई यहाँ से हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर हमारे एक जानवर का सौदा हो गया था लेकिन हमने अभी तक डन नहीं करा था, तो हम लोग निकल गए KVK ब्लॉक के लिए। भाई ये देख सकते हैं सारे हम लोग गाड़ी के अंदर बैठकर KVK ब्लॉक के लिए निकल पड़ गए थे हम लोग, क्योंकि KVK ब्लॉक तो बहुत ही ज्यादा महंगा था। फिर हमने यही वाला अपने वाला जानवर ले लिया था माशाल्लाह से, पैसे वगैरह भी हम लोग गिना रहे थे, देख सकते हैं हमने अपने जानवर डन कर दिया था माशाल्लाह से, गाड़ी वगैरह पर भी चढ़ाना था, गाड़ी वगैरह पर भी हमने चढ़ा दिया था। फिर हमने जाते जाते नोतर पास मंडी को भी अलविदा बोल दिया था, अगले साल इंशाल्लाह जरूर मिलेगा नोतर पास मंडी। भाई वो गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी भाई, अब हम तो ये सोच रहे कि कब घर पहुँचेंगे कब घर पहुँचेंगे, जानवर भी बहुत ज़्यादा थक गए, तो जानवर से ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे भाइयों, बैठे 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 बहुत ज़्यादा तंग हूँ। हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि आप देख लेंगे कि मंडी के अंदर हम लोग कितने ज़्यादा, और सबसे पहले तो रास्ता यार इतना लंबा था और
जगह जगह हमने गाड़ी चेंज करी, उसके बाद मंडी जाकर पहुँचे तो कहीं गेट बंद थे कहीं नहीं बंद थे, बहुत ज़्यादा खुआरी वगैरह थे। फाइनली जाकर जानवर मिल ही गया था, एक घर पे भी आ गया माशाल्लाह। गाइस बहुत ज़्यादा ख़त्म वगैरह हो गए, गाइस जानवर पसंद आया आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा, इंशाल्लाह माशाल्लाह जरूर दिख गए। गाइस वीडियो करते हैं एंड, भाई वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट चल बैठा करके कैसे मना बोलिया मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।